हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर, और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं आज स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस का एक बहुत शानदार टॉपिक, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा बनता है यहाँ से, और बनता ही बनता है, मतलब 101% श्योरिटी है कि यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से। ठीक है, तो क्या है आज हम वो डिस्कस करेंगे। हमारी जो जर्नी है वो बहुत लंबे समय से चल रही है, और नवंबर में हम लोग अपनी 1 साल की यात्रा पूरी कर लेंगे। अभी तो बहुत समय है वैसे, बट फिर भी ज़्यादा समय भी नहीं है, समय बीतते हुए समय भी नहीं लगता है, तो एक लंबा अरसा, कुछ महीने ही सही, बट लग रहा है कि आप लोगों के साथ एक लंबा लंबे समय से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है। ठीक है, मतलब लगता है एक परिवार सा है ना, जैसे यू नो, मतलब आप उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो एक फीलिंग है। ठीक है, जो मतलब मैं अक्सर फील करता हूँ जब आप लोगों को देखता हूँ, आपके लाइक्स वीडियोज़ में जो कमेंट्स होते हैं या आपके जो फीडबैक्स आते हैं मेरे को मैसेजेस में, तो एक कनेक्शन है। कम ही आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते, बट एक कनेक्शन है लगता है। ठीक है, तो बड़ा अच्छी फीलिंग वो आती है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा फ्लो में हो गया है ना, तो बात आते हैं वापस अपने उसी मुद्दे पर, क्योंकि फिर लेक्चर लेना है, क्लास लेनी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी जो जर्नी है वो 15 नवंबर से चालू है ना। हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वहाँ से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे फिर KVS की रेट्स आ गई, तो हमने फिर MCQ करे, उसके बाद बिहार टेट का एग्ज़ाम होना था, MP टेट वर्ग 1 का प्री एग्ज़ाम होना था, वहाँ हमने प्रिपरेशन की, उसके बाद फिर कुछ एक दो दिन का गैप लिया, फिर वापस से हमने अपनी जर्नी जो है बिजनेस स्टडीज़ के माध्यम से स्टार्ट करी। तो काफ़ी सारा जो सिलेबस है हम लोग ऑलरेडी से डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने ऊपर आई कॉन में लगा दी है। ठीक है, आई फोल्डर है ना ऊपर, आपके लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ होता है, शायद आई फोल्डर ही बोलते हैं, वहाँ पर मैंने लगा दी है। बाकी बिजनेस स्टडीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, बाकी बिजनेस स्टडीज़ की जो प्लेलिस्ट है वो आपके वीडियो एंड में जो है वीडियो के साथ ही अटैच होकर के मिल जाएगी। वीडियोज़ जो हैं आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए, समझते रहिए, आप भी उनके नोट्स बनाइए, उन पर थोड़ी थोड़ी रिसर्च भी कीजिए, उनके बारे में थोड़ा सा और पढ़िए और उनके बारे में जानिए थोड़ा सा, जो कुछ भी नया आप जान सकते हैं। इन सब में इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक कॉन्टीन्यूटी रखिए। ठीक है, अब हालांकि हमारी वीडियोज़ भी कॉन्टिन्यू रहने वाली हैं, पीछे थोड़ा सा टाइम पीरियड था 1 वीक का जिसमें हम वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए थे, बट आगे से वो कंटिन्यू रहने वाली हैं। और एक आज की इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जितने भी टॉपिक अब डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हैं। रिसेंट टाइम में देखा गया है कि कुछ कुछ जैसे KVS था, तो KVS ने भी अपना सिलेबस चेंज किया है, MP टेट वर्ग 1 में भी थोड़ा सिलेबस में चेंजेस आए हैं। तो ये जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये एक इस तरह के टॉपिक्स हैं जो आपको बिहार जो एग्ज़ाम हुआ था PGT कॉमर्स का, उसमें भी इस तरह ये टॉपिक्स थे। तो ये जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे आगे आने वाला NVS का एग्ज़ाम है, DSSSB का एग्ज़ाम है, ठीक है, या GIC का एग्ज़ाम है, GIC में भी ये टॉपिक्स पहले तो रहे हैं, अभी भी रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ये 11th 12th, देखिए हम जो जा रहे हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, वो 11th और 12th के लिए जा रहे हैं। अब ये जाहिर सी बात है कि 11th और 12th का जो पोर्शन होगा, जो रेशो होगा, जो वेटेज होगा, वो ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद जो वेटेज होगा वो बैचलर डिग्री का होगा, उसके बाद जो वेटेज होगा वो मास्टर डिग्री का होगा। तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, ये तो स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। आपको निश्चित तौर से इन सब टॉपिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब मैं आपको ये टॉपिक्स उस लेवल तक लेकर के चला जाता हूँ जो बैचलर और मास्टर्स में भी हैं, या जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मेरा प्रयास ये होता है कि जैसे आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी हो सकती है वो मैं आप तक दे दूँ। ठीक है, तो ये एक बात है। तो चलिए शुरू करते हैं, अपना आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, लास्ट बने रहिएगा।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा जिसमें केवल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो पहले ये समझ लेना ज़रूरी है हमारे लिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है। अब मान के चलिए ये मैंने लिखा है, ये मेरा मेरा बनाया हुआ, ये मेरा क्रिएशन है। अब इसको कोई कॉपी ना करे, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने इस पर अपना राइट ले लिया, लीगल राइट्स ले लिए, ताकि इसको कोई कॉपी ना कर सके। तो उसको क्या कहा जाता है, अब क्योंकि इसको क्रिएट करने में मेरी बुद्धि का प्रयोग हुआ है, मेरी इंटेलेक्चुअलिटी का प्रयोग हुआ है, मेरी बौद्धिक जो कह सकते हैं क्षमता का प्रयोग हुआ है, तो उसके संरक्षण के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लीगल राइट्स ले लेता हूँ। उसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहा जाता है। अब ये किस किस तरीके इसमें क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR बेसिकली इसको हम कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये कुछ तरह के ना विशेष अधिकार, जिसको हम एक्सक्लूसिव राइट भी बोलते हैं, दे देता है, ठीक है, जिसमें हम अपने क्रिएटिव एफर्ट्स और रेप्यूटेशन को क्या कर पाते हैं, एकत्रित कर पाते हैं, या उनका जो कमर्शियल बेनिफिट है उसको क्या कर पाते हैं, गेन कर पाते हैं। अब इसमें अलग अलग तरह के कॉपीराइट जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, तो जनरली हमने सुना हुआ है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जैसे कॉपीराइट है, तो कॉपीराइट की वैलिडिटी कितनी होती है ना, या ट्रेडमार्क की वैलिडिटी कितनी होती है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग, ये एक पिक्चर मैंने ले लिया, जैसे इसमें प्रोटेक्शन आ रहा है, ट्रेडमार्क हो गया, ब्रांड, पेटेंट, इन्वेंशन, कॉपीराइट, इंफ्रिंजमेंट, लाइसेंस, सीक्रेट लॉ, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। कुछ कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड आई होप कि आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी और आपको समझ आ रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है ऑन स्क्रीन। नहीं आ रहा है तो मैं पढ़ता रहूँगा, वो आप समझते रहना। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पेटेंट्स की। पेटेंट क्या है, पेटेंट एक तरह का क्या है, मोनोपोली प्रिविलेज है। मोनोपोली प्रिविलेज मतलब ये आपको एकाधिकार विशेषाधिकार प्राप्त करता है, जो किसको दिया जाता है, इन्वेंटर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, इन्वेंटर, इन्वेंटर माने आविष्कारक, ठीक है। और इसकी जो लाइफ होती है वो यूजली 20 साल होती है, 20 ईयर्स जो होती है ये होता है, क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कॉपीराइट क्या है, इसका अपना एक एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट 1957, और ये जो एक्ट एप्लीकेबल हुआ ये 21 जनवरी 1958 को एप्लीकेबल हुआ। दो बातें यहाँ पर समझ में आ गई। तीसरी बात अपने को समझने में क्या आनी है कि इसमें जो अमेंडमेंट हुआ कॉपीराइट अमेंडमेंट का, वो 2012 हुआ। तो अभी जो रिसेंट में अपने पास एक्ट चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 2012। चौथी बात आपको क्या जाननी ज़रूरी है इसमें, कि इसमें लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क्स को शामिल किया जाता है, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर, ठीक है, या 60 ईयर्स, क्लियर है। ये चार पांच चीज़ें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। पहला 1957 में आया, 21 जनवरी 1958 को लागू हुआ। तीसरी बात, अभी रिसेंट में जो चल रहा है वो कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012 चल रहा है। चौथी बात आपको क्या जाननी है, लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क के लिए इसको यूज़ किया जाता है। पांचवी बात जो अपने को समझनी है वो 60 साल है। नेक्स्ट, इसके बाद अपन लोग अगर बात करें तो आता है ट्रेडमार्क। अच्छा मैं ये बता देता हूँ कि ये तो पता चल रहा है ना कि किस लिए यूज़ किया जाता है। ट्रेडमार्क क्या होता है, इसको डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और पार्ट ZB, किसका, ट्रेडमार्क एक्ट 1999। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब ये जो भी मैंने लाइन बोली है कि कौन से सेक्शन, सेक्शन आ सकता है, सब सेक्शन, मतलब ये देख लेना कि सेक्शन 2(1) या कौन सा एक्ट लागू होता है, ये बन सकता है, ये ZB नहीं आता। ये क्या है, ये एक तरह का क्या होता है, ये एक तरह का साइन होता है, डिस्टिंक्टिव साइंस, या कोई इंडिकेटर, जैसे आपने 4 राउंड सर्कल से देखे आप समझ गए ऑडी है, या आपने एक ऐसा साइन देखा आप समझ गए अमेजोन का साइन है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो साइंस होते हैं, आपने एप्पल का साइन होता है ना, लोगो देखते ही समझ में आ जाता है, तो ये क्या है, इंडिकेटर्स हैं या डिस्टिंक्टिव साइंस हैं, ठीक है ना।
यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो है ना, ये क्या है, ये डिस्टिंक्टिव साइन है। आप जहाँ भी इसको देखोगे वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा क्या है, कि ये अधिगम मंत्रा का प्लेटफॉर्म है। क्लियर है? और इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली, ठीक है ना, तो ये है, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक कहानी। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद बात आती है इंडस्ट्रियल डिजाइन्स की। किसकी बात आती है? इंडस्ट्रियल डिजाइन्स की। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन्स को आप कब तक एक्सपेंड कर सकते हो? पहली बात तो ये डिजाइन एक 2000 के अंदर रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 10 साल है, जिसको आप 5 साल तक और बढ़ा सकते हो, तो 15 साल हो गई, ठीक है। अगर कोई भी इसको वायलेट करता है, मतलब कोई भी इंडस्ट्रियल डिजाइन को वायलेट करता है, तो उस पर ₹25,000 ऑफेंस के लग सकते हैं, और मैक्सिमम मैक्सिमम उस पर जो है ₹50,000 जो है रिकवरी की जा सकती है। तो ये अभी इसमें शामिल है, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स। ज्योग्राफिकल जो किसी एक विशेष स्थान को बिलोंग करते हैं, क्या, जो किसी एक विशेष स्थान को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, या उनकी विशेषता वाले, जैसे बनारस की साड़ी, बनारस का पान, ठीक है ना, तो ये एक चीज है, ठीक है ना, या हैदराबाद की बिरयानी, है ना, तो ये, या कश्मीर के सेब। क्लियर, समझ आ रहा है? ये एक चीज है, या कश्मीर की ऊन भी होती, ऊन भी होती, मतलब रिलेट कर पा रहे हो ना, तो वो एक चीज है। तो उसको क्या बोला जाता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। तो ये स्पेशलिटी जो है ये वहीं पर है, जैसे कलकत्ता का रसगुल्ला, 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 राइट, है ना। तो ये उनकी भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करते हैं, उनको आप स्थानांतरित नहीं कर सकते, है ना, या आसाम की चाय, ऐसा कुछ। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होता है? इसमें कोई भी वैल्यूएबल बिजनेस इंफॉर्मेशन, राइट, जिसको आप क्या कर रखना चाहते हो, सी एज अ सीक्रेट रखना चाहते हो, ताकि आप अपने ऑपरेशंस को सक्सेसफुली रन कर सको, और अपने बिजनेस को आगे फर्दर फ्यूचर के लिए क्या कर सको, ग्रो कर सको। जैसे उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आ सकती हैं, आपने उनको नहीं डिस्क्लोज किया किसी के साथ, कोई नया प्रोडक्ट आप मार्केट में लेकर के आने वाले हो, आपने नहीं डिस्क्लोज किया है उसको किसी के साथ, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनको क्या बोला जाता है? ट्रेड सीक्रेट्स कहा जाता है। वैसे जनरली तो चार ही मानी जाती हैं, चार पांच ही मानी जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आपका पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स शामिल है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले थे वो यही डिस्कस करने वाले थे, सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसके बारे में। देखिए, मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि एक एक टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाए, ताकि एक टॉपिक आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। अब जैसे कल हम क्या करने वाले हैं, कल हम SMED, सॉरी MSME, है ना, मीडियम स्मॉल माइ सॉरी माइक्रो स्मॉल मीडियम, है ना, स्केल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, जिसको MSME एक्ट कहा जाता है, 2006 में जो है ये अमेंडमेंट हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो संभव है कि कल का जो हमारा वीडियो होगा वो थोड़ा सा क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लगभग लगभग 15-16 स्लाइड्स रहेंगी। तो कुल कुल मिलाकर के वही वाली बात है कि मेरा प्रयास ये है कि आप तक मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं जो आपके लिए क्या हो, रिलेवेंट हो, ना कोई फालतू इन्फॉर्मेशन हो और ना ही कम इन्फॉर्मेशन हो। अगर आपको आज की वीडियो में लगता है कि कोई कुछ इन्फॉर्मेशन और ऐड होनी चाहिए, या कुछ मिसिंग है, या कैसा आपको वीडियो लगा, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, या आपने कुछ नया सीखा, तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन आता है। आप खुद सोचो यार, मैं कोशिश में रहता हूँ, इतना मोटिवेट रहता हूँ, तुम लोगों को इतना मोटिवेट करता हूँ हर चीज़ के लिए, हर बार के लिए। अब सोचो, अगर तुम लोग मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, तो मेरा इंतज़ाम लेवल किस स्तर पर हो सकता है, आप सोच सकते हो, और कितना बड़ा आउटपुट वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और यूं ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, और चैनल को ग्रो करते रहिए। ये परिवार यूं ही बढ़ता रहेगा और सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, ऐसी मनोकामना है। जय हिंद।